हे एवरीवन, तो क्या हाल है। आज की मूवी का नाम है एंटीडोट फ्रॉम 2021। मूवी की स्टार्टिंग में हमें फांसी पे लटके एक बंदे की डेड बॉडी दिखाई देती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर जाता है मूवी की मेन कैरेक्टर पर, जिसका नाम होता है शरीन। बीच रात में अचानक शरीन नींद से उठ जाती है, क्योंकि उसके पेट में जोरों का दर्द हो जाता है। इसलिए शरीन का हस्बैंड उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ डॉक्टर कहता है कि शरीन का अपेंडिक्स सीरियसली डैमेज्ड है और शरीन को जल्द से जल्द सर्जरी करवाने की जरूरत है। कुछ समय बाद जब शरीन अपनी सर्जरी करवा कर उठती है, तो वो अपने आप को किसी अजीब से अनजाने से रूम में पाती है। वहाँ उसे एक बेड से बांध रखा होता है, साथ ही उसकी बॉडी में एक रेड लिक्विड डाला जा रहा होता है। जब शरीन बेड से उठकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, तभी वहाँ एक डॉक्टर आता है और शरीन को उसकी बीमारी के बारे में समझाता है। डॉक्टर उसे ये भी बताता है कि सर्जरी के बाद से ही वो मेंटली बीमार हो गई थी और तभी से वो इस जगह पर है। शरीन डॉक्टर से पूछती है वो किस जगह पर है, पर डॉक्टर उसे अनसुना कर वहाँ से चले जाता है। अब शरीन अपने पेट पर सर्जरी का निशान देखती है और उसे पता चलता है कि चोट बिल्कुल ठीक हो गई है, और शरीन हिसाब लगाती है कि वो यहाँ पर कई सालों से है। अगले सीन में डॉक्टर एक बार फिर वहाँ आता है, और इस बार डॉक्टर के पास एक टैबलेट भी होती है। शरीन डॉक्टर से कई सारे क्वेश्चंस पूछती है, पर डॉक्टर किसी का रिप्लाई नहीं देता और शरीन को टैबलेट्स खाने को दे देता है। पर शरीन डॉक्टर को धक्का मारकर रूम से बाहर आ जाती है। वहाँ उसे दो नर्सेस पकड़ लेती हैं और उसके एक इंजेक्शन लगाकर वापस उसके रूम में ले जाती हैं। जब वो बेहोशी से उठती है, डॉक्टर उसके सामने बैठा होता है। शरीन डॉक्टर से कहती है कि उसकी फैमिली और हस्बैंड उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ जाएंगे, पर डॉक्टर कहता है कोई कभी भी उसे नहीं ढूंढ पाएगा। फिर डॉक्टर उसे रूम में लॉक करके वहाँ से चले जाता है। कुछ समय बाद शरीन को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है कि किसी को टॉर्चर किया जा रहा हो। वो विंडो से झांकती है तो उसे एक आदमी दिखता है, जिसकी आंखों से खून बह रहा होता है, और एक आदमी उसे उसके रूम में ले जा रहा होता है। शरीन उस पेशेंट की हालत देखकर बहुत खौफजदा हो जाती है। उसी दौरान वो कुछ और आवाजें भी सुनती है, जो साइड वाले कमरे से आ रही होती हैं। जब वो दीवार के पास जाती है, तो उसे एक नोट दिखाई देता है, जो उस रूम में शायद किसी दूसरे पेशेंट ने लिखा होता है। उस नोट पर लिखा होता है, आई एम एवरेट, हु आर यू। वो शरीन को ये भी बताता है कि ये कोई हॉस्पिटल नहीं है। उस दौरान कुछ लोग एवरेट के रूम में दाखिल होते हैं और उसके बाद सिर्फ एवरेट की चीखें सुनाई देती हैं। उसके बाद शरीन अपने पास्ट को याद करती है। वो याद करती है कि एक बार उसने अपने हस्बैंड से झूठ बोला था। शरीन के हस्बैंड को सच्चाई मालूम थी, फिर भी उसने शरीन से कुछ नहीं कहा। अगले सीन में डॉक्टर फिर से शरीन के रूम में आता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हारे पास्ट का कोई रिग्रेट है जो तुम शेयर करना चाहो। पर शरीन साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसका उसे रिग्रेट हो। डॉक्टर वो नोट देख लेता है जो एवरेट ने शरीन को दिया था, और फिर डॉक्टर उसे एक रूम में लेकर जाता है जहाँ और भी पेशेंट्स होते हैं। जब डॉक्टर वहाँ से चले जाता है, तो शरीन एवरेट से पूछती है कि कल इन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया था। एवरेट उसे बताता है कि इन्होंने एवरेट की जीभ काट दी थी। पर ये सुनने के बाद शरीन शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि एवरेट अभी भी बिना परेशानी के बोल पा रहा था। एवरेट बताता है कि ये लोग हमारे ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और इसी वजह से मेरी जीभ भी बिल्कुल ठीक हो गई। एक और पेशेंट शरीन को बताती है कि इन लोगों ने उसे बार बार कई बार जलाया, पर अब वो बिल्कुल ठीक है उनके ट्रीटमेंट की बदौलत। तभी एक सायरन बजता है और सारे पेशेंट डर जाते हैं। डॉक्टर उस रूम में आता है और सबको उनके रूम में जाने को कहता है। वो शरीन को भी उसके रूम में जाने को कहता है। शरीन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। वो डॉक्टर से पूछती है कि उसे कब जाने दिया जाएगा, पर डॉक्टर उसे इग्नोर करके उसे उसके रूम में ले जाता है। रूम में आने के बाद एक बार फिर शरीन अपने अतीत को याद करती है, और हमें पता चलता है कि उसने अपने हस्बैंड से क्या झूठ बोला था। शरीन ने अपने हस्बैंड को कहा था कि वो जिम जा रही है, पर एक्चुअली शरीन ग्रेवयार्ड गई होती है। ये ग्रेवयार्ड इस मूवी की एक और मिस्ट्री है, जो कि आपको आगे पता चलेगी। गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो बैक टू द स्टोरी। शरीन एक विंडो से बाहर देख रही होती है, तभी वहाँ लाइट बंद चालू होने लगती है। शरीन देखती है कि दो आदमी एक पेशेंट को जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहे हैं। उसी समय एवरेट शरीन के रूम में आता है और कहता है कि ये किसी प्रकार की फैसिलिटी है। शरीन उनसे पूछती है कि क्या यहाँ से निकलने का कोई तरीका नहीं। एवरेट कहता है कि बाहर निकलने का सिर्फ एक तरीका है, बस इन लोगों के रूल्स फॉलो करो और जो भी ये कहें उसे मानते रहो। शरीन कहती है कि ये तुम्हें किसने बताया। एवरेट बताता है कि डॉक्टर ने उसे प्रॉमिस किया है कि अगर वो 3 महीने तक इनके सारे रूल्स फॉलो करेगा तो उसको जाने दिया जाएगा। शरीन कहती है कि मुझे इन पर भरोसा नहीं है। अब हम देखते हैं कि जो पेशेंट अभी अभी गया था उसे वापस लाया जा रहा है और उसका पेट बहुत ब्लीड कर रहा है। शरीन पेशेंट के रूम में जाकर उससे पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ। जब शरीन पेशेंट से बात कर रही होती है, तभी वहाँ डॉक्टर आ जाता है उसी रेड लिक्विड के साथ, जो स्टार्टिंग में शरीन की बॉडी में इंजेक्ट किया जा रहा था। अब शरीन एवरेट के रूम में जाकर उससे रिक्वेस्ट करती है कि यहाँ से निकलने में वो उसकी हेल्प करे, पर एवरेट साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि वो डॉक्टर के बताए हुए सारे रूल्स फॉलो कर रहा था। अब शरीन हर रूम में जाती है और अलग अलग पेशेंट्स को देखती है।
तभी डॉक्टर उसे देख लेता है और उसे अपने कैबिन में लेकर जाता है। वहाँ डॉक्टर शरीन को उस आदमी की फोटो दिखाता है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। शरीन कहती है कि अगर मैं तुमको इस आदमी के बारे में बता दूं तो क्या तुम मुझे अपने घर पे कॉल मिलाने दोगे। डॉक्टर मान जाता है। फिर शरीन बताती है कि ये बंदा उसका बॉयफ्रेंड था और अचानक उसने सुसाइड कर ली थी, जिससे शरीन बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी। और जिस ग्रेव पर शरीन जाया करती थी वो भी इसी बंदे की थी। वो वहाँ कैंडल्स जलाने जाया करती थी और उसने इस बारे में अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया था। सब कुछ बताकर शरीन अपने घर पर फ़ोन मिलाती है, पर उसे पता चलता है कि फ़ोन डेड है और डॉक्टर ने उसे झूठ बोला। शरीन डॉक्टर पर बहुत गुस्सा हो जाती है, फिर वो वापस अपने रूम में चले जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शरीन उसी रूम में जाती है जहाँ पर उसने उस रोप को देखा था जिससे उसका बॉयफ्रेंड लटक कर मर गया था। शरीन ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। अब दो बंदे शरीन को एक रूम में लेकर जाते हैं और उसे एक बेड से बांध देते हैं। फिर वो शरीन की दोनों टांगे काट देते हैं बिना किसी रहम के। फिर डॉक्टर वहां आकर उसके पैरों का इलाज करता है। सरप्राइजिंगली कुछ ही समय में शरीन के पैर दोबारा पहले जैसे हो जाते हैं, जिसे देखकर शरीन सरप्राइज हो जाती है। फिर डॉक्टर शरीन को उस रेड लिक्विड के बारे में बताता है। वो कहता है कि इस लिक्विड की मदद से वो किसी भी चोट को ठीक कर सकते हैं। शरीन डॉक्टर से पूछती है कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है, जिस पर डॉक्टर कहता है कि हम ये सब मेंटली सिक लोगों के साथ करते हैं और तुम भी उनमें से एक हो। उसके बाद हम शरीन को एवरेट के रूम में देखते हैं। वो कहती है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को कुछ ही समय पहले देखा, बल्कि उसे मरे हुए 10 साल हो गए हैं। ये सुनकर एवरेट बहुत गुस्सा हो जाता है और डॉक्टर के कैबिन में जाता है। वो कहता है कि तुमने मुझसे कहा कि 3 महीनों तक तुम्हारी बात मानकर मैं यहाँ से निकल सकता हूँ, पर मैंने एक इंसान को देखा जो 10 साल से यहाँ पर है। डॉक्टर कहता है कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। अब एवरेट डॉक्टर से कहता है कि उसे इस हॉस्पिटल के मैनेजमेंट से बात करनी है। फिर डॉक्टर उसे एक रूम में लेकर जाता है और एक बार फिर वो लोग एवरेट की जीभ काट देते हैं। अगले सीन में हम शरीन को देखते हैं जो उसी रूम में जा रही होती है जहां उसने अपने बॉयफ्रेंड को देखा था, पर इस बार रूम में कोई रोप नहीं थी बल्कि एक पियानो था। शरीन बाहर जाती है और देखती है कि एक आदमी कहीं जा रहा है। शरीन उसके पीछे जाती है और फाइनली उसे बाहर का रास्ता मिल जाता है। शरीन आगे बढ़कर गेट खोलती है तो देखती है कि वहाँ एक दीवार है, मतलब यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। एक बार फिर शरीन उसी रूम में जाती है और इस बार उसे वो रोप भी दिखती है। तभी उसके सामने उसके बॉयफ्रेंड की डेड बॉडी आ जाती है, जिसे देखकर वो बेहद डर जाती है। अब वहाँ डॉक्टर भी आ जाता है। इस बार जब वो डॉक्टर के साथ रूम में जाती है तो वहाँ कोई नहीं होता, यहाँ तक कि पियानो भी गायब होता है। जब डॉक्टर उसे उसके रूम में ले जा रहा होता है, वो चुपके से कीज चुरा लेती है। फिर शरीन एक दूसरे पेशेंट के साथ डॉक्टर के केबिन में जाती है। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे उस जगह का नक्शा मिल जाता है। एक्चुअली डॉक्टर को पता होता है कि शरीन ने कीज चुरा ली हैं। शरीन और वो पेशेंट एक रूम में जाकर डॉक्टर की ड्रेस पहन लेते हैं। वहां से निकलते हुए उन्हें एक बंदा देख लेता है और उसे इन पर शक हो जाता है। वो दूसरी पेशेंट शरीन को बचाने के लिए अपना गला काट लेती है। इसी बीच शरीन वहां से भाग जाती है और एक रूम में जाकर छुप जाती है। अब हम देखते हैं कि एक पेशेंट उसको मारने वाला होता है, तभी वहाँ एक बंदा आ जाता है और शरीन को बचा लेता है। वो शरीन को एक रूम में लेकर जाता है क्योंकि गार्ड्स उन दोनों को ढूंढ रहे थे। वहाँ वो बंदा शरीन को असॉल्ट करने की कोशिश करता है, इसलिए शरीन उसको भी मार देती है और रूम से बाहर आ जाती है। अब आखिरकार शरीन बिल्डिंग से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है, पर अभी भी उसके पीछे एक बंदा आ रहा था, इसलिए वो हेल्प मांगने के लिए घर में घुस जाती है, पर घर में कोई नहीं होता। शरीन एक अंधेरे कमरे में एंटर करती है। अब एक बार फिर शरीन देखती है कि वो उसी बिल्डिंग में है और अब उसे पनिशमेंट के रूप में फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। जब वो उठती है तो देखती है कि डॉक्टर उसके सामने होता है। वो डॉक्टर से कहती है कि वो उसे मार क्यों नहीं देते। डॉक्टर कहता है कि हम यहाँ पर किसी को नहीं मारते। उसी के साथ डॉक्टर उसे पूछता है कि क्या तुमने कभी कुछ ऐसा किया है जिसका तुम्हें रिग्रेट हो। शरीन अभी भी कुछ नहीं बताती और डॉक्टर चले जाता है। शरीन एवरेट के रूम में जाती है और उसे पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए। एवरेट कहता है कि मेरा एक बहुत घातक एक्सीडेंट हुआ था और जब मैं उठा तो मैं यहाँ पर था। अब शरीन उसी लड़की के कमरे में जाती है जिसने शरीन को बचाने के लिए खुद का गला काट लिया था। वो लड़की बिल्कुल ठीक होती है। शरीन उससे भी पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे आई। वो बताती है कि एक बार उसने 650 से भी ज्यादा जानवरों की जान बचाने के लिए एक फार्म हाउस में आग लगा दी थी, पर बदकिस्मती से उसमें एक कपल जलकर मर गया था और शायद इसी वजह से उसे बार बार जलाया जाता है। वो लड़की कहती है कि यहाँ से निकलने का सिर्फ एक तरीका है, मौत। शरीन कहती है कि हम पहले से ही मर चुके हैं। वो कहती है कि जब मैं सर्जरी से उठी मैं यहाँ पर थी। जब एवरेट का एक्सीडेंट हुआ उसके बाद वो यहाँ पर पहुंचा और तुमने भी जहरीली मशरूम खा ली थी। इसका मतलब हम सब मर चुके हैं और ये हेल है। ये सब सुनने के बाद वो लड़की शरीन से पूछती है कि तुमने अपने पास्ट में क्या किया था जिसकी वजह से तुम यहाँ पर हो। और यहाँ शरीन कन्फेस करती है कि उसने 10 साल पहले अपने बॉयफ्रेंड का मर्डर कर दिया था और इसी वजह से वो यहाँ पर है। अब हमें शरीन का पास्ट दिखाया जाता है। यहाँ पर शरीन और उसका बॉयफ्रेंड लड़ रहे होते हैं। शरीन अपने हाथ में एक नुकीली चीज लेती है और गलती से अपने बॉयफ्रेंड का गला काट देती है। वो खुद को बचाने के लिए उसे एक रस्सी से लटका देती है जिससे लगे कि उसके बॉयफ्रेंड ने सुसाइड किया है। फिर शरीन डॉक्टर के रूम में जाती है और उसे एक बुक राइटर के बारे में बताती है।
उस बुक में वो लिखता है कि वो हेल में गया था और उसे बार बार टॉर्चर किया गया, फिर उसको हील किया गया और फिर से टॉर्चर किया गया। डॉक्टर शरीन से कहता है, वेल डन, आज तक बहुत कम लोग जान पाए हैं कि ये जगह नर्क है। शरीन डॉक्टर से पूछती है कि क्या तुम डेविल हो। डॉक्टर कहता है कि यहाँ पर कोई डेविल नहीं है और वो भी यहाँ अपने बुरे कर्मों की वजह से आया है। पर फिर उसने 3 महीने तक हर रूल को फॉलो किया और उसे दूसरों को टॉर्चर करने की ड्यूटी मिल गई। वो कहता है कि उसे ये सब करना अच्छा नहीं लगता, पर अगर कोई रूल तोड़ता है तो उसे सजा भुगतनी पड़ती है। डॉक्टर उसे बताता है कि मैं यहाँ बहुत लंबे समय से हूँ। तभी वहाँ शरीन का बॉयफ्रेंड आ जाता है और शरीन को घसीट कर उसी रूम में ले जाता है जहाँ उसने रोप और पियानो को देखा था। फिर शरीन को पूरा यकीन हो जाता है कि ये जगह हेल ही है, द प्लेस ऑफ रिग्रेट। अब उसका बॉयफ्रेंड उसे लटकाने ही वाला होता है, पर वो कहती है कि मुझे मार दो, पर मुझे कुछ कहना है। वो कहती है कि आई स्टिल लव यू, मैं अभी भी तुम्हें याद करती हूँ। आज तक कोई ऐसा दिन नहीं गया जब मैंने तुम्हारी ग्रेव पर कैंडल न जलाई हूँ। वो अपने बॉयफ्रेंड से माफी मांगती है और खुद को मारने को कहती है। वो कहती है कि मुझे लटका दो, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने तुम्हें लटकाया था। उसका बॉयफ्रेंड इमोशनल हो जाता है और उसे नहीं मारता, बल्कि वो उसे एग्जिट की तरफ लेकर जाता है। डॉक्टर उन दोनों को देख लेता है और कहता है कि ऐसा मत करो, पर शरीन का बॉयफ्रेंड उसे घायल कर वहां से आगे बढ़ता है। जब शरीन हेल से बाहर जा रही होती है, उसका बॉयफ्रेंड भी वहां से निकलने की कोशिश करता है, पर जैसे ही ब्रिज पर पैर रखता है, ब्रिज टूट जाता है। शरीन पीछे मुड़कर देखती है तो देखती है कि कुछ लोग उसके बॉयफ्रेंड को पकड़कर वापस ले जा रहे हैं। वो इस ब्राइट लाइट के पार निकल जाती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि शरीन अपनी आंखें खोलती है और वो उसी बेड पर लेटी होती है जिस पर हमने उसे मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। डॉक्टर उसे बताता है कि उसके दिल ने 15 सेकंड के लिए धड़कना बंद कर दिया था, मतलब वो मर चुकी थी पर वापस जिंदा हो गई। शरीन इस पर यकीन नहीं करती, पर देखती है कि उसकी सर्जरी का घाव अभी भी है। फिर वो घर जाती है और उन सब लोगों के बारे में रिसर्च करती है जिनसे वो हेल में मिली थी, और उसे पता चलता है कि जिन जिन लोगों से वो हेल में मिली थी वो सारे के सारे मर चुके हैं। फिर वो अपने बॉयफ्रेंड की ग्रेव पर कैंडल जलाने जाती है। वो हेल से इसलिए बाहर निकल पाती है क्योंकि उसने अपने बॉयफ्रेंड को गलती से मारा था, जानबूझकर नहीं, साथ ही उसके बॉयफ्रेंड ने उसे माफ भी कर दिया, इसलिए वो हेल से बाहर आ पाई। और यही हो जाता है इस मूवी का दी एंड। तो कैसी लगी आपको ये दिमाग चकरा देने वाली मूवी, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।